आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं प्याज की कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे शाम में खाना लोग पसंद करते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी होता है। ये देखिए, मैं एक कचौड़ी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इस तरह से ये फूले फूले बनेंगे। अगर आप भी ऐसा कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 4 बारीक कटे प्याज, 2 टेबलस्पून घी, 2 उबले आलू, 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 पिंच हींग और 1/2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून अजवाइन और फ्राई करने के लिए ऑयल। डो तैयार करने के लिए यहाँ पे लेंगे मैदा। यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब लेंगे नमक और अजवाइन को हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ के लेंगे। और घी को मैंने 2 टेबलस्पून घी को मैंने गरम कर लिया है। घी गरम करके डालने से क्या होता है कि घी तलने में कम भी लगता है, जब भी आप कचौड़ी को फ्राई करिएगा तो वो कम भी लगेगा और खास्ता भी बनता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। इसको गूंथने में 1/2 कप पानी लगा है। अब डो को कवर करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। एक पैन को गरम करना है, उसमें जीरा, धनिया और सौंफ। इस तरह से प्रेस करके एक मोटा पाउडर बना ले। कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये मसाले इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा भून ले। इसमें हींग डालना है और प्याज डाल करके इसको 5 मिनट तक भूनना है। कवर करके बीच में कवर भी कर दे इसको, ताकि प्याज गल जाए आज अच्छे से। और इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, चीनी और बेसन को मिक्स करना है। फ्लेम को मीडियम रखना है और आलू उसको भी प्रेस करके ऐसे डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बेसन और आलू डालने से प्याज का जो मॉइस्चर होता है वो बेसन एब्जॉर्ब कर लेता है और ये स्टफिंग बहुत अच्छी तैयार होती है। इसको इस तरह से प्रेस करके 4 से 5 मिनट तक भूने मीडियम फ्लेम पे ही। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, इससे खुशबू आने लगी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने दें। अब आटा का डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे मिक्स कर ले। और इसके रोटी जितना बनाते हैं ना, जितना बड़ा चपाती उतनी बड़ी गोली बना ले। कचौड़ी की गोली थोड़ी बड़ी होती है। इस तरह से यहाँ पे 8 बने हैं। ये मिक्सचर ठंडा हो गया है। छोटे छोटे गोली बना लेंगे। 8 कचौड़ी के लिए मैंने यहाँ पे डो बनाया था, तो 8 गोले ऐसे बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा हो उसको रख के आप पराठा भी बना सकते हैं। जितना बड़ा यहाँ पे मैंने आटे का गोला बनाया है, उतना ही मैंने ये प्याज का भी स्टफिंग के लिए बनाया है। अब इसको इस तरह से
पहले राउंड कर ले और प्रेस करके साइड से पतला करना है, बीच में थोड़ा सा मोटा रखना है। इस तरह से कटोरी जैसा बना लें। सारी पूरियां तैयार कर ले। एक में और बना के दिखा दे रही हूँ। ऐसे प्रेस करना है और ऊपर से आटे को ऐसे दबाना है। इसको बस ऐसे ही हल्का बेलन से बना ले जाके, जिससे ये एक बराबर हो जाए। और अब ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल को गरम होने दें। इसी तरह सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। अब इसे ऑयल गरम हो गया है, इसमें फ्राई करेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे। और इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। ये धीरे धीरे सिकेगी तभी ये क्रिस्पी रहेगा। इस तरह से निकाल के इसी तरह से सारी पूरियों को तल ले। ये देखिए कितना क्रिस्पी और करारे है। एक मैं कट करके दिखा दे रही हूँ। इसका लेयर बिल्कुल इस तरह से फूला फूला रहेगा।